कॉमर्स एडजस्टमेंट चल रहा था आपका, प्रीवियस आपका जो भी इंटरेस्ट फ्रॉम कैपिटल इंटरेस्ट फ्रॉम ड्राइंग हुआ था वो सारी चीजें आपको पहले बताई जा चुकी है। कैपिटल जो ऑनर इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, उसमें जो इंटरेस्ट चार्ज करता है वो बिजनेस के लिए क्या एक्सपेंस होता है और उसको बिजनेस में क्या किया जाता है डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो कराया जाता है। इसके बाद जो ड्राइंग है वो बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस से आप पर्सनल यूज के लिए अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस से विड्रॉ करते हैं, चाहे वो आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं चाहे आप प्रोडक्ट विड्रॉ कर रहे हैं, दोनों ही केस में उस केस में जब अगर आप करते हैं तो वो कहलाता है आपका ड्राइंग। और ड्राइंग में बिजनेस आपसे क्या करता है, जिस तरीके से आप अगर कैपिटल लगाते हैं उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उसी तरीके से बिजनेस अगर आपको कुछ लेंड करता है आपको कुछ देता है तो उससे में भी वो भी वो क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो बिजनेस के लिए क्या है, इनकम। ये था आपका आज हमारा जो नया है पॉइंट है उसमें है बैड डेट्स। क्या है बैड डेट्स? बैड डेट्स का जो हिंदी मीनिंग है वो है आपका डूबर रेड। क्या है आपका डूबर रेड? जो पैसा आपका बैड डेट्स हो गया यानी ऐसे डेटर्स जिन्होंने पैसा देने से मना कर दिया है रीजन कुछ भी हो वो कहलाते हैं आपके बैड डेट्स। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स वाज अ डेटर ऑफ द कंपनी हु ओज 3000 रुपीज उन्होंने क्या किया, मिस्टर एक्स जो है वो एक डेटर है और उन्होंने 3000 लिया है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंपनीज अकाउंट। ठीक है, उन्होंने क्या किया अकाउंट अकॉर्डिंग टू कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट 3000 रुपीज लिया है। ठीक है, और क्या कहते हैं मिस्टर एक्स डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। हमने कंडीशन लगा दी, उन्होंने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। इंसॉल्वेंट का यहाँ पे मतलब होता है दिवाली। वो कह रहे हैं कि हमारा बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है और हमारे पास कैश की कमी है इस वजह से हम आपका पैसा नहीं दे पा रहे हैं। मिस्टर एक्स डिक्लेयर इंसॉल्वेंट ही कैन नॉट पे अमाउंट और 3000 as a bad debts। उसको हम क्या ट्रीट करते हैं, bad debts ट्रीट करते हैं। अभी आप ये कहोगे bad debts कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। क्या है कंपनी के लिए? लॉस है, इनडायरेक्ट लॉस है। तो वो कहां शो ऑफ होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। तो हमारे जो एंट्री क्या होगी, पहले हम जनरल एंट्री करते हैं बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 3000। कितना? 3000। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसके बाद हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और एक हम बनाते हैं बैलेंस शीट। इस पे इसका इफेक्ट कहां कहां जाएगा ये देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सेकेंड हमारा क्या है बैलेंस शीट। सेकेंड हमारा क्या है बैलेंस शीट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा क्या है टू बैड डेट्स, कितना हो गया 3000। और यहाँ पे डेटर फाइल को ऑलरेडी, ठीक है, तो डेटर ने और उसने अपने आप को डिक्लेयर भी कर दिया क्या इंसॉल्वेंट और वो क्या हो गया बैड डेट्स हो गया 3000 का और हमारा ये क्या हो गया नील हो गया क्योंकि हमारे में बैलेंस का डिफरेंस आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन में करके यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या दिखाएंगे, अगर एडजस्टमेंट है बैड
रीजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, या तो आप उसको रीजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स चाहिए, ठीक है, या फिर आप ये एक आता है आपका प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, या फिर आप कहिए इसी को कहते हैं हम और कभी लिखे रिजर्व फॉर बैड डेट्स। अब कहोगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। बैड डेट्स क्या है? बैड डेट्स ऐसे बैड डेटर्स हैं जिन्होंने डायरेक्टली मतलब कह दिया है कि अब हम आपकी पेमेंट नहीं कर पाएंगे, जिन्होंने डायरेक्टली कह दिया है कि अब हम आपकी पेमेंट नहीं कर पाएंगे। और प्रोविजन या रिजर्व वो चीज है जिसमें हर कंपनी एस्टिमेट करती है कि हर फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम आपके इतने डेटर्स तो बैड हो ही जाते हैं, यानी इतना हमारा लॉस हो जाता है। तो वो क्या करती है, ऐसे लॉस के लिए एक अलग से अकाउंट मेंटेन करती है जिसको हम रिजर्व अकाउंट कहते हैं या फिर प्रोविजन अकाउंट कहते हैं। अब आप कहोगे रिजर्व और प्रोविजन दोनों क्यों है, दोनों में डिफरेंस क्या है? रिजर्व वर्ड यूज किया जाता है मेनली कि आप कुछ प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट ऐसे अकाउंट उसके लिए रखे जिसके बारे में आपको पता ना, ऐसे लॉसेस के लिए रखे। और प्रोविजन एक स्पेशल उसी अकाउंट के लिए बनाया जाता है कि ये जो मैं रिजर्व रख रही हूँ ये मेरे सिर्फ और सिर्फ बैड डेट्स के लिए यूज होगा, अगर मेरे बैड डेट्स नहीं होंगे तो ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये कहीं अगर ट्रांसफर नहीं होगा। तो मैंने कहा है कि ये जो मैं रिजर्व बना रही हूँ मैं सिर्फ बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए बना रही हूँ, तो उसको मैं रिजर्व ना कहकर प्रोविजन कहूंगी तो वो ज्यादा बेटर होगा कि मैंने अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट इस प्रोविजन में डाल दिया है, जितना भी मेरा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बैड डेट्स होगा उसको मैं यहाँ से यूटिलाइज करूंगी, इस प्रोविजन से यूज करूंगी, ताकि उसका जो इफेक्ट है, जो लॉस है, उसका इफेक्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे कम से कम पड़े। समझ रहे? अगर आपका 10 लाख के डेटर्स थे जिसमें से आपकी 8 लाख की रिकवरी हो गई और 2 लाख आपके डेटर्स थे जिन्होंने किसी भी कंडीशन की वजह से पैसा देने से मना कर दिया, तो उस 2 लाख का आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके बैलेंस शीट पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, 2 लाख का आपको घाटा हो जाएगा, आपका प्रॉफिट की वजह आपका लॉस हो जाएगा। तो अगर आपने प्रोविजन बना रखा है और आपके प्रोविजन में से उतना सफिशिएंट बैलेंस है तो उसको वहां से यूज करते हुए आप प्रोविजन को यूज कर लीजिए और फिर आपका जो प्रॉफिट और लॉस पे इफेक्ट पड़ता है, जो आपके बैलेंस शीट पे इफेक्ट पड़ता है वो कम से कम पड़ता है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन रिज्यूम करते हैं ट्रायल बैलेंस के साथ और फिर उस क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है? ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, ये हो गए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एडजस्टमेंट बनाते हैं। एडजस्टमेंट फॉर द बैड डेट्स, फॉर द बैड डेट्स 1000, उसके बाद क्या है, मेक अ प्रोविजन जो
आपका पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर में बना था और इस साल उसको आप कैरी फॉरवर्ड करके ले गया है। और न्यू प्रोविजन ऐसा प्रोविजन है जो आप आगे आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में बना रहे हैं, ठीक है। और फर्दर बैडेट्स के इतने बैडेट्स और हो गए, इतने तो पहले थे 500 के, इतने बैडेट्स आपके और बढ़ गए, और इतना प्रोविजन आपने पहले बना रखा था और 1500 का प्रोविजन आपने और बनाया, हो गया क्लियर। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ तक जाने वाला है, एक आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा एक आपका जाएगा बैलेंस शीट, दूसरा एक आपका जाएगा बैलेंस शीट। पहले यहाँ पे डालो डेटर्स, डेटर्स कितना है, वाले आपके डेटर्स, ठीक है, वन लाख के डेटर्स में। अब आप कहोगे कि बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा, बैलेंस शीट में सिर्फ डेटर जाएगा और ये एडजस्टमेंट जाएगी, ये दोनों चीजें नहीं जाएगी, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में है। ट्रायल बैलेंस में होने का मतलब है कि वो चीजें आपकी ऑलरेडी उस चीज में से एक्सक्लूड हो चुकी है, यानी वो बैड डेट्स भी माइनस हो चुकी है और वो प्रोविजन भी माइनस हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल आप जब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो पूरे साल का, जितने भी आपके डेटर्स बैड हो जाते हैं उनको आप माइनस कर देते हो, जो आप प्रोविजन बना देते हो वो माइनस कर देते हो, तो जो चीज आपके पास नेट आएंगे कि डेटर अब हमारे इतने नेट हैं इन्होंने पेमेंट करनी ही करनी है, तो वो हमारे उसमें से जब वो दोनों चीजें ऑलरेडी एक्सक्लूड है तो दोबारा आप करोगे तो डबल बार उसका हमारे बैलेंस शीट पे कट पड़ जाएगा। और ये चीज हमने हमारे पास नहीं निकल के आए हैं ताकि हमारा जो बैलेंस शीट है वो ऑन द स्पॉट 31 मार्च को तो बनता नहीं है, ठीक है, पहले से उस पर धीरे धीरे काम शुरू हो जाता है, या आपको पहले पता लग गया था तो आपका ट्रायल बैलेंस इंक्लूड हो गया था, या आपको पता बाद में लगा है तो ये आपका आया है एडजस्टमेंट। जो एडजस्टमेंट वाली एंट्री होती है वो वहां जाती है, सबसे फर्स्ट आपका माइनस हो जाएगा बैड डेट्स, बैड डेट्स कितना है आपका उसमें एडजस्टमेंट में 1000, और फिर उसके बाद माइनस हो जाएगा प्रोविजन, प्रोविजन आपका कितना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना है 1500, ये भी माइनस 1 लाख में से 2500 आपका माइनस हो जाएगा, 97,500 हो गया आपका। यहाँ पे एडजस्टमेंट होगी डेटर्स में से आपका जो एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट्स हुआ है वो माइनस हो जाएगा और आपका जो प्रोविजन हुआ है वो माइनस हो जाएगा। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले हम ले आते हैं इस बैड डेट्स को, ये भी अगर ट्रायल बैलेंस में है तो हमारा आ जाएगा बैड डेट्स, बैड डेट्स कितना है 500। अब उसके बाद हमारे बैड डेट्स और बढ़ गए, एड फर्दर बैड डेट्स कितना बढ़ा है 1000 का हमारा बैड डेट्स और बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गए 300 हो गए। अब उसके बाद ये हमारा ओल्ड प्रोविजन है, ये हमारा न्यू प्रोविजन, तो ये चीजें हमारे ऑलरेडी पहले ही इंक्लूड हो चुकी है तो इसको माइनस करते हैं, यहाँ पे इसको लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा क्या हो जाता है, ओल्ड प्रोविजन जुड़ जाता है, प्रीवियस प्रोविजन आपका माइनस, ठीक है। तो यहां पे हमारा जो माइनस ओल्ड प्रोविजन, आपने जो पुराना प्रोविजन बनाया था उसको माइनस कर दीजिए, बचा कितना 700, और उसमें जो आपका न्यू प्रोविजन है उसको जोड़ दीजिए, न्यू प्रोविजन आपका 1500, ये आपका है, ठीक है। सिंपल बात, आपका जितना भी बैड डेट्स है उसमें जो आपके न्यू बैड डेट्स हुई हैं उनको आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, यानी फर्दर बैड डेट्स हो गए हैं, और उसके बाद जो आपका पुराना प्रोविजन आपने पहले बनाया था 800 का, वो ऑलरेडी आपने उसमें से किया था, आपने क्या आपने पहले उसको दिखा दिया ट्रायल बैलेंस में, तो आपका दोबारा 300 का बना उसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, तो पहले इसको माइनस कर देते हो फिर उसको प्लस कर देते, नहीं तो आप सिंपल से बात कर रखिए बैड डेट्स एड फर्दर न्यू बैड डेट्स माइनस ओल्ड प्रोविजन प्लस न्यू प्रोविजन, ये है आपका डेटर्स में, डेटर्स में आपका जितना भी बैड डेट्स है वो आपका जुड़ जाएगा, और जो भी आपका प्रोविजन सॉरी बैड डेट्स आपका माइनस हो जाएगा, और जो भी आपका प्रोविजन है वो भी आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। डेटर्स में से आपको कुछ नहीं सोचना है, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में आपको जाके जितने आपके डेटर्स हैं डेटर्स में से एडजस्टमेंट में जितने भी प्रोविजन हैं रिजर्व हैं बैड डेट्स हैं डेटर्स को लेके वो सिंपली आप माइनस करते जाएंगे। फिर आप आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना भी आपका बैड डेट्स है उसमें ऐड हो जाता है आपका फर्दर न्यू बैड डेट्स जो भी आते हैं, और उसमें से आपका ओल्ड प्रोविजन माइनस होता है और न्यू प्रोविजन जो
जो आपने नया प्रोविजन बनाया है उसको इंक्लूड करते हुए वो आपका जुड़ जाता है और उससे जो बैलेंस मिलता है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अमाउंट में डेबिट साइड में आपका पोस्ट होता है। ये एडजस्टमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ठीक है। ये एडजस्टमेंट कई बार अकेले पूरे पेपर में आ जाती है प्रैक्टिकल फॉर्म में, ठीक है, और कई बार आपके क्वेश्चन के साथ आती है तो आपको इफेक्टिव करती है। तो इसको बहुत अच्छे से ट्राई करिएगा, इस क्वेश्चन को पूरा करिएगा और जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉर्ट आउट की जाएगी। आज के लिए मैं थैंक यू।